नमस्कार। तो एक तो बहुत दिनों बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ, तो काफ़ी सही बताओ, मुझे फ़ोन आ रहे थे जो हमारे पुराने क्लाइंट्स भी हैं या जो इस साल जुड़ चुके हमारे साथ कि सर क्या बात हो गई। और आप देख सकते हैं जैसे कि ये थोड़ा सा मेरा छोटा सा सर्जरी था, जो मेरे पुराने वीडियोस थे तो आपको ब्लैक मोल दिखता होगा, तो वो मैंने हटवा दिया है। एंड दैट इज़ अ रीज़न, थोड़ा 5-7 दिन के लिए बड़ी सी पट्टी बंधी हुई थी, तो मुझे लगा कि ऐसे आना अच्छा नहीं लगेगा, तो ये वजह है कि कोई वीडियो देने और शायद कुछ बहुत बड़ी घटना घटित भी नहीं हुई। सिर्फ केरला का देखिए दोबारा से वो निकला था, जिनको अपनी प्रोफाइल चेक करनी है और जिनको अगर अपना NRI के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो आई थिंक दैट वाज द ओनली अपडेट इन द लास्ट 7 डेज। तो मुझे ये भी देख रहा था, हमने व्हाट्सएप के जरिए जो भी हमारी करंट क्लाइंट लिस्ट है उनको तो भेज ही दिया था। हाँ, वीडियो नहीं डाल पाया था, वेबसाइट पर आर्टिकल्स आ रहे थे जो मेरी टीम है, तो एवरीबडी वॉज वर्किंग अदर देन मी। तो GKverse.in पे भी अपडेट्स लगातार आ रहे थे, बट मैं नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि इस सर्जरी की वजह से जो चली जाएगी पट्टी और 4-5 दिन में तो फिर एवरीथिंग वुड बी बैक टू नॉर्मल। तो देखिए इस समय तो बस एक ही घटना है कि लोग पूछ रहे हैं कि सर आपके हिसाब से नीट का रिजल्ट कब आएगा। पहले तो आंसर किया नहीं है, और ऐसी बात नहीं कि हम कोई जादूगर है, हम कोई जानकार है। देखिए जनरली एक पहले ट्रेंड चलता था, वो चलता था 1 महीने के रिजल्ट का, जो कॉमन ट्रेंड है। और तो 17 जुलाई को अगर पेपर हुआ था तो आप मान के चलिए जो एक आदतन एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है वो होती है 20-22 अगस्त। और देखिए आंसर की ये ना कोई बहुत बड़ा गैप हमेशा नहीं देते हैं, तो फिर वो यही होगा कि अगर आप 15 अगस्त की हम छुट्टी मान के चले कल, तो मैं मान सकता हूँ कि 16-17 तारीख को आ जाएगा आंसर की, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप होती है, आपकी होमवर्क शीट अपलोड हो जाएगी। क्योंकि उनको आपको 2-3 दिन का समय देना होता है कि भाई किसी की ऑब्जेक्शन है आंसर की को लेके तो वो डाल सकता है। और उसके बाद जो इससे अगला हफ्ता है, मतलब 21 से लेके 25 अगस्त तक का, उसके बीच में रिजल्ट आ जाएगा। जहाँ तक काउंसलिंग की बात है, जैसा कि हम जानते हैं कि नीट PG का रिजल्ट आए बहुत टाइम हो गया, उसी की काउंसलिंग अगर 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, तो अगर रिजल्ट लेट हो गया तो मान के चलिए रिजल्ट लॉन्च करने और काउंसलिंग का राउंड वन करने में भी कम से कम 15 दिन का गैप होता है। तो मैं मान नहीं सकता कि सितंबर 1 तो छोड़िए, 5th या 10th सितंबर के बीच में ही फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा, और वर्ष के सिनेरियो में वो मिड सितंबर तक भी खेल सकता है। और उसके हिसाब से काउंसलिंग तो फिर कम से कम नवंबर एंड या दिसंबर मिड तक चलेगी, और सेशन जो है वो अपना जनवरी 2023 में ही स्टार्ट होगा इन बच्चों के लिए जो कि 2022 के बच्चे हैं। सो दिस इज़ द स्मॉल अपडेट। एज ए सेट, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। एंड एज ऑफ नाउ NMC का रूल इम्प्लीमेंट होने की मुझे एट अ पर्सनल लेवल उम्मीद नहीं है। देखिए मैं सबको हमेशा थोड़ा घुमा के समझाता हूँ, थोड़ा ड्रेड बोलता हूँ। कुछ जो रूल्स है ना वो गवर्नमेंट लाती है ताकि आप लोग खुश हो जाएं, क्योंकि आधी फीस माफ़ हो जाएगी तो वो बच्चे खुश हो गए। जबकि मैं कई बार समझा चुका कि नुकसान है ज़्यादा जो कम स्कोर के बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि जो सरकारी को जरा सा मिस कर रहे थे वो सीटें ले जाएंगे। पर सच्चाई की बात यह है कि कॉलेजेस ने सरकार से कहा होगा कि आप वो फीस दीजिए, ऐसा थोड़ी ना कि मैं आधी फीस से पढ़ा दूंगा और बाकी आधी बच्चों के लिए या तो मैं फीस को डबल कर दूंगा। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो 24 लाख फीस ले रही है, क्या वो 50 लाख फीस लेगी एक साल की, क्या बच्चे दे पाएंगे? तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो मेरी जो कॉमन सेंस कहती है इस साल तो कुछ नहीं होने वाला, तो दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे काउंसलिंग प्रोसेस में। ऑफकोर्स थोड़े बहुत गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज धीरे धीरे अभी आ रहे हैं, और जो फिलहाल सीटें हैं वो क्या पता बढ़ के 95-96 हज़ार हो जाए। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ अब्रॉड को लेके जो कन्फ्यूजन है उसकी वजह से इंडिया में कंपटीशन बढ़ सकता है, तो उसका आप लोग ध्यान रखिए। और कॉन्टैक्ट योर काउंसलर्स और कॉन्टैक्ट अस इफ़ यू वॉन्ट टू टेक अवर सर्विसेज, 9643362320। मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ती है वैसे वैसे हम बच्चों के लिए स्ट्रेटजीज चेंज करते हैं, अडेप्ट करते हैं, ताकि आपको ऑप्टिमल सीट मिले। किसी भी स्टेट की कोई भी सीट दिलाना तो बहुत आसान होता है, और लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता और बच्चों के करियर को भी एक वो नहीं मिलता। तो जहाँ तक NMC रिजल्ट की बात है, ये है अपडेट। तो बाकी जो भी है फिर वो देखते हैं और मैं आपको अपडेटेड रखूँगा अब, ठीक है? सो नमस्कार, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और हमसे संपर्क करना हो तो वही 9643362320 पे आप कॉल कर सकते हैं। बाय बाय।